हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये, और सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपका ये पूछा जाता है हमेशा। कोई भी टेट एग्जाम होता है तो उसमें आपका एनसीएफ हमेशा पूछा जाता है। बायलिंगुअल डिस्कशन रहेगा हमारा, और आपकी जो कंटेंट है वो भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हिंदी मीडियम के लर्नर हो आप चाहे इंग्लिश मीडियम के लर्नर हो, आपके लिए सभी के लिए और नोट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो एनसीएफ जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनसीएफ जो है आपका 2005 जो है ये आपका फोर्थ एनसीएफ है। इससे पहले एनसीएफ आपका कब आया, तो आपका 1975 में आपका फर्स्ट एनसीएफ आया, देन आपका 1988 में आया, देन आपका 200 में, और फिर आपका 205 में जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपका। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो एनसीएफ जो है आपका, इसका जो मूल मंत्र अगर हम समझें, अगर इसका एक शब्दों में एक लाइन में हम इसे समझें, तो इसका जो है मेन जो मंत्र क्या था इसका, वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। यानी जो आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या है, बड़े बड़े बैग्स उठा करके स्कूल लेकर के जाते हैं, और क्या होती है उनके अंदर जो बुक्स होती है, उनके अंदर जो ज्ञान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला होता है, नॉलेज प्रोवाइड करने वाला नहीं होता है। क्योंकि वो बुक्स को रट रट के जो सीखते हैं वो क्या होता है, उनकी डेली लाइफ में जो मतलब जो रियल लाइफ है उसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाती है चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए एनसीएफ का कहना था कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। ठीक है, तो जो 1992 में और 1993 में जो यशपाल जी हैं उनकी एक उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जो उसमें उन्होंने ये विचार रखा था कि जो बस्ती का जो वज़न है ना उसको कम करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने जब ये विचार रखा और जब उन्हें एनसीएफ का अध्यक्ष बनाया गया यशपाल जी को, तो उन्होंने इसी चीज़ को यहाँ भी लागू किया कि भाई शिक्षा जो है आपकी वो बिना बोझ के होनी चाहिए और उसके जो बस्ती का वज़न है वो कम किया जाना चाहिए। तो ये एक मेन आपका जो है एक लोगो है इनका, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आज थोड़ा सा आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुने, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो क्या है आपका नेशनल करिकुलम 2005। ठीक है, इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स व्हाट एंड हाउ टू टीच चिल्ड्रन। यानी कि क्या कहेंगे हिंदी में अब इसको, कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक क्या है आपका, दस्तावेज है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है आपका जो नेशनल करिकुलम है, कि भाई बच्चे को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज एक्सेप्टेड फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर्स एसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, इन विच ही डिस्क्राइब द क्रिएटिविटी लिबरल ब्लिस इज द की टू चाइल्डहुड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो आपका एनसीएफ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 का उद्धरण जो हुआ है वो किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुआ है। इनका एक एसे था जिसका नाम क्या था, सभ्यता और प्रगति। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से निबंध से एनसीएफ का उद्धरण हुआ, तो कौन सा हुआ, सभ्यता और प्रगति से। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया, कि भाई इन विच डिस्क्राइब द क्रिएटिविटी लिबरल ब्लिस इज द की टू चाइल्डहुड। यानी कि क्या कहना चाहते हैं, कि सृजनात्मकता जो है वो उदार आनंद बचपन की कुंजी है। मतलब कि जो क्रिएटिविटी है ना उसी में आपके चाइल्डहुड का मज़ा है। बच्चा जो है वो क्रिएटिविटी से सीखता है, मतलब किताबी ज्ञान जो है उससे वो नहीं सीखता है, बल्कि जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है ना उसी में एक मज़ा है बच्चे को सिखाने का। ठीक है, तो एनसीएफ आपका ये कहता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वॉज ट्रांसलेटेड इन टू द 8th शेड्यूल टू द इंस्टीट्यूशन, इट हैज़ बीन डन इन ऑल द गिवन लैंग्वेजेस। यानी कि जो आपकी जो संविधान है उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं सूची में, कौन सी सूची में, 8वीं सूची में दी गई, सभी भाषाओं में किया गया। अगर 8वीं सूची में कितनी भाषाएँ आती है, 22 भाषाएँ आती है, यानी कि 22 भाषाओं में इसको क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, यानी हर भाषा में ये आपके लिए क्या है, अवेलेबल है एनसीएफ जो है। ठीक है, तो क्या है, ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दिस इज़ द लेटेस्ट नेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द एजुकेशन सो फार। यानी कि सबसे क्या है, लेटेस्ट स्कूल एजुकेशन का जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, यानी कि सबसे नवीनतम दस्तावेज कहा जाता है इसको,
शिक्षा का सबसे नवीनतम, सबसे नया दस्तावेज है अभी तक यही, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, कौन से विकास मंत्रालय की पहल पर, तो क्या कहेंगे हम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, कि पहल पर प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन है इनकी, अध्यक्षता किसकी, प्रोफेसर यशपाल जी की, ठीक है, अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक की नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में इसको देखा है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों आपके नोट्स जो हैं आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने 5 principles दिए हैं जो इसके NCF है, मेन जो है 5 principles आपके क्या हैं, नॉलेज शुड बी लिंक टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी कि बच्चे की जो जो शिक्षा है उस ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। भाई बच्चा जो स्कूल से सीख करके जाता है वो बाहर की लाइफ में उसके लिए अनजाना नहीं होना चाहिए, उसको आप बाहर की लाइफ से जोड़ करके सिखाइए। भाई अगर एनवायरनमेंट के बारे में बताना है तो किताबों में क्यों सिखा रहे हो बच्चों को, एनवायरनमेंट में लेके जाओ ना बाहर, पेड़ पौधे दिखाओ उनको, किस तरीके से एक बीज बोया जाता है, किस तरीके से वो पौधा बनता है, वो सब चीज़ें बच्चे को दिखाई जा सकती हैं, ठीक है। तो क्यों उसे किताबों में सिखाया जाए, ठीक है। फ्रीइंग द स्कूल फ्रॉम रोट सिस्टम, यानी कि जो रट्टंत प्रवृत्ति है, क्या है, पढ़ाई को रट्टंत प्रणाली से मुक्त करना। बच्चे को जो हम एक रटने पे जोर देते हैं ना, ये फॉर्मूलाज रट लो, ये वाले कीवर्ड्स रट लो, उससे आप पास हो जाओगे, इतने क्वेश्चंस कर लो, ये वाले पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये वाले रट लो तो पास हो जाओगे, उस रट्टंत प्रणाली से हमें क्या करना है, बच्चे को हटाना है। क्योंकि वो बच्चे को क्या करता है, सिर्फ एक नॉलेज उसके दिमाग में, नॉलेज नहीं भरता है वो, इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में भरी जाती है सिर्फ, उसका कोई यूज़ नहीं होता है डेली लाइफ में देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट डिस्कशन अबाउट शुड नॉट रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, यानी कि जो आपके जो बच्चे की जो पाठ्य चर्चा है वो क्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मतलब टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए आपकी जो पाठ्य चर्चा, यानी कि जो आपका करिकुलम है, जो आपकी बाहर की जो सहगामी क्रियाएँ हैं वो बुक तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बुक से बाहर निकालो बच्चों को और एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें सिखाना स्टार्ट करो, ठीक है। क्लासरूम शुड बी कनेक्टेड टू एक्टिविटीज़ एंड शुड बी मेड फ्लेक्सिबल, क्लासरूम जो है ना वो क्या होना चाहिए आपका, गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। भाई एक ही तरह के टाइम टेबल, घिसी पिटी एक्टिविटीज़ आपकी रोज चल रही है, 4 periods लग रहे हैं क्लास में, एक में हिंदी इंग्लिश मैथ ये सब पढ़ाया जा रहा है, बुक्स में पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड पे रटवाया जा रहा है, इन सब गतिविधियों को थोड़ा सा छोड़ा जाए और बच्चों को क्या है क्लास से बाहर की एक्टिविटीज़ में क्या है उसको सिखाया जाए चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, द स्टूडेंट शुड बी रेडी फॉर द नेशनल वैल्यूज़ और पॉइंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस शुड बी इंक्लूड इन द सिलेबस। भाई बच्चा क्या है आपका, पढ़ लिख करके खूब मतलब विद्वान बन गया है बिल्कुल, लेकिन क्या है उसके अंदर एक नेशनलिज्म की, एक जो राष्ट्रीय मूल्य है वो उसके अंदर क्या करते हैं, हमारी शिक्षा जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रस्तावित नहीं कर पाती है। तो इसीलिए क्या कहा है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और इसके राष्ट्र के महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। भाई पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए 15 अगस्त के बारे में, 26 जनवरी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, प्लस हम क्यों मनाते हैं, हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं और भी कितनी सारी जो नेशनल जो भी आपके डेज हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ सके, वरना उसको पता कैसे चलेगा कि जो फ्रीडम वो इन्जॉय कर रहा है कहाँ से मिली है उसको, कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया है, आज की पीढ़ी को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो बच्चे के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है वो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं आ सकती है, उसको आपको उसके अंदर वो वैल्यूज़ जो है वो आपको डालनी पड़ेगी एज अ टीचर, एज अ करिकुलम में हमें वो वैल्यूज़ को जो है इंक्लूड करना पड़ेगा, ये हमारे NCF ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, तो ये फैक्ट्स आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका जो फैक्ट्स हैं उसमें से, ठीक है, देखते हैं इसको। तो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF 2005 वॉज टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन लाइफ एंड नॉलेज, इन दिस प्रोसेस द स्कूल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी लिंक्ड विद द आउटसाइड लाइफ, जो बात हमने पहले कही उसी को थोड़ा सा एलिबरेट करके कहा है कि भाई मेन उद्देश्य क्या है, जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है, ठीक है। जो आपका शिक्षा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एजुकेशन,
नॉलेज और लाइफ जो है आपकी, भाई जो आपका ज्ञान है वो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ज्ञान जो है ना वो सिर्फ आपके ऐसे, ज्ञान तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं ना जिसको आप लेकर के घूम रहे हैं लेकिन वो रियल लाइफ में काम ना आए। तो क्या होना चाहिए? रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप बाहरी दुनिया से जोड़ करके सिखाएंगे बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, NCF 2005 वाज इंप्लीमेंटेड इन प्राइमरी एजुकेशन थ्रू दिस लर्निंग प्रोसेस टू ट्री द स्टूडेंट्स फ्रॉम द रोट सिस्टम सो दैट द ऑलराउंडर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। क्या कहना चाहते हैं भाई, NCF 2005 जो है वो क्या है, प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया है। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। अब आपसे पूछा जाता है कि NCF में किस प्रकार के विकास की बात की गई है, तो चहुमुखी विकास की बात की गई है, ठीक है। और किस चीज़ की, कौन सी शिक्षा को लागू किया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा को आपको लागू किया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज़ पूछ ली जाती है। इन एडिशन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक एंड यूज सच कॉन्टेंट टू बिल्डिंग एन इफेक्टिव पर्सनैलिटी। जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए और विषय सामग्री का उपयोग किया जाए तो उसको प्रभावशाली व्यक्तित्व का, उसकी एक अच्छी इफेक्टिव पर्सनैलिटी बन सके, ऐसी उसकी क्या होनी चाहिए, विषय सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज क्रिएटेड बाय NCERT। किसके द्वारा क्रिएट किया गया, NCERT के द्वारा। इट कम्प्लीशन वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है। तो किसके डायरेक्टर में, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के। इट्स मेन गोल इज एनलाइटमेंट, दैट इज स्टूडेंट टू गेन नॉलेज बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इट अकर, ठीक है। हिंदी में समझेंगे हम इसको कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया। इसको पूरा करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान, यानी विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों को अवसर देकर के उन्हें खुद ज्ञान की खोज करने दी जाए, खुद उनको सीखने दिया जाए। भाई क्या होगा, गलत सीखेंगे ना, गलत बोलेंगे, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, सीखेंगे तो सही ना, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एवरी स्टूडेंट हैज़ हिज एबिलिटी एंड स्किल, देन एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस हिज। भाई जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है कि भाई हर विद्यार्थी के अंदर में अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। भाई इंडिविजुअली हर बंदे में क्या होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक ऐसा वातावरण देंगे जिससे कि क्या होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। आपकी क्लास का, आपका जो वातावरण होना चाहिए शिक्षा का, वो ऐसा हो कि भी बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। एजुकेशन शुड बी सीन एज अ प्रोसेस दैट लिबरेट्स, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस, पुअर्टी, जेंडर कास्ट एंड कास्ट विच डिप्राइव आवर चिल्ड्रन ऑफ दिस प्रोसेस। यानी कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण, यानी कि अन्याय, गरीबी, लिंग भेद हो गया आपका, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रकार की प्रक्रिया से वंचित करते हैं। भाई जिस भी कारण से बच्चे को वंचित किया जा रहा है शिक्षा के लिए, भाई अगर गरीब होने की वजह से वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, ठीक है, लिंग भेद की वजह से उसको शिक्षित नहीं किया जा रहा है, भाई लड़की है तो स्कूल नहीं जाना चाहिए, लड़का है तो उसको भेजना चाहिए, जाति के बेसिस पे अगर नीचे जाति में है, ऊंची जाति में, तो स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को एक तरफ रख करके बच्चे को क्या है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, कि जो आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर नेशनल वैल्यूज़, जैसा कि हम पहले इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भाई क्या करे, राष्ट्रीय मूल्यों को प्रस्तावित करे वो विद्यार्थियों के अंदर। उसके बाद हाईलाइट्स क्या है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, जो लैंग्वेज होती है, द लैंग्वेज मीडियम एट द प्राइमरी लेवल शुड बी इन द मदर टंग अकॉर्डिंग टू NCF। यानी कि जो आपका नेशनल करिकुलम 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, और सूत्र क्या होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा होनी चाहिए और सूत्र क्या होगा, त्रिभाषा सूत्र लागू होगा आपका, ठीक है। NCF के अकॉर्डिंग देयर शुड बी मैक्सिमम यूज ऑफ टीचिंग फॉर्मूलाज लाइक नॉन टू अननोन और टेंजिबल टू इनटेंजिबल। ये आपके दोनों जो सूत्र हैं NCF में कहा गया है, तो आपसे पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि NCF ने किन सूत्रों को माना है शिक्षण के, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि ज्ञात से अज्ञात, भाई बच्चा जो चीज़ जान रहा है उससे रिलेट करके आप उसको अज्ञात चीज़ें सिखाइए। जैसे कि मैंने आपको एक बार एक एग्जांपल दिया था कि जब मैंने अपने जो स्टूडेंट्स थे प्राइमरी के,
उनको क्या किया था, मैंने जब उनको शेप्स इंट्रोड्यूस की थी तो मैंने उनको बिस्किट्स दिखाए थे, क्या था, अलग अलग शेप्स के बिस्किट थे, तो स्टूडेंट ने इतने मज़ेदार तरीके से उसको सीखा, अलग अलग राउंड के, मतलब राउंड शेप में हो गया, ट्रायंगल में हो गया, रेक्टेंगल, अलग अलग तरीके के बिस्किट्स थे जिनको वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बिस्किट है। अब उन बिस्किट से रिलेट करके आप उनको शेप सिखा दो, मतलब ऐसे चुटकियों में सीख जाएंगे और उनके ऊपर माथे में एकदम बर्डन नहीं होगा कि भाई हमें क्या सिखाया जा रहा है, कुछ रटवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मूर्त से अमूर्त की ओर जो चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हैं उससे सिखाना स्टार्ट कीजिए और फिर आप उनको अमूर्त चीज़ों की ओर लेकर के जाइए। यानी कि अगर आप सिखा रहे हैं उनको पर्यावरण के बारे में आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, पहले उनको पर्यावरण में लेकर के जाइए। एक पौधे की वृद्धि के बारे में अगर आप उनको बता रहे हैं तो आप पहले उनको क्या करेंगे, आप उनको एक बीज बो करके दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमने इसको ऐसे लगाया, फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे बड़ा हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो आप उनको क्या है देखा करके उसके बाद में आप उसको अमूर्त की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड एज नॉलेज, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो सूचना दी हुई है उसको आप नॉलेज नहीं समझेंगे, बच्चे को एज अ नॉलेज क्या है उसको नहीं रटने के लिए बोलेंगे। यानी कि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन होती है भाई, इन्फॉर्मेशन आज कुछ इन्फॉर्मेशन आई आपके पास में, कल एक और इन्फॉर्मेशन आएगी, वो तो चेंजेबल है, लेकिन जो नॉलेज है, नॉलेज ऐसे है कि नॉलेज आपने एक बार ग्रहण की तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। तो क्या कहा है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मैसिव सिलेबस एंड थिक बुक सिंबलाइज द फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि NCF में एजुकेशन का फेलियर किस चीज़ को कहा गया है, तो मैसिव सिलेबस को, और जो मोटी मोटी बुक्स हैं आपकी, मोटी मोटी किताबें हैं जिससे बच्चे देख करके आधे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, उसको क्या कहा गया है आपको, क्या कहा गया कि असफलता का प्रतीक है, बच्चों की असफलता का प्रतीक है, वो बच्चे उससे सफल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है आपका, वैल्यूज शुड बी एस्टैब्लिश बाय गिविंग एनवायरनमेंट नॉट बाय प्रीचिंग, यानी कि वैल्यूज़ जो है बच्चों के अंदर में, जो मूल्य आप देंगे उनको उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जा सकता है। आप देखेंगे ना, आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, आप बच्चों को कह कह के थक जाइए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप वो चीज़ उनके सामने कर रहे हैं एज अ टीचर या एज अ पेरेंट भी, या एज अ आप लोग बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं, अगर आप किसी को भी सिखा रहे हैं कि ये चीज़ आप मत करो मत करो, जितने मर्जी आप उनको उपदेश दे लीजिए, जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने एनवायरनमेंट में खुद नहीं लेकर के आएंगे, तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। क्योंकि बच्चे ने क्या है, सब कुछ देख करके सीखता है, वो उपदेश देने से नहीं सीखता है, जो उसको एनवायरनमेंट मिलेगा उससे वो सीखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अ स्ट्रिक्ट मैसेज विल बी गिवन टू पेरेंट्स, इट इज़ रॉन्ग टू एस्पायर टू मेक चिल्ड्रन परफेक्ट एट अ यंग एज। अब पेरेंट्स की भी ये बहुत मतलब क्या रहती है कि भाई एक बच्चा जो है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल उसको A+ आना चाहिए, मतलब A+ ही आना चाहिए। तो अभिभावकों को भी ये सख्त संदेश दिया गया है बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि बच्चे को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है, कि भाई बच्चा मेरा फर्स्ट क्लास में है तो उसको तो सारे कंसेप्ट आने चाहिए दुनिया भर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोस वाले बच्चे को आ रहे हैं तो मेरे बच्चे को भी क्या है सारे कंसेप्ट आने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट क्लास में है, उसको तो भाई मतलब दुनिया भर का ज्ञान होना चाहिए। तो पेरेंट्स को ये एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखनी है बच्चे से, किस में, जो आपका जूनियर लेवल है कम से कम, ठीक है, यंग एज में। प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी कि बच्चे को क्या करना है आपको, स्ट्रेस फ्री तनाव से मुक्त जो है एनवायरनमेंट आपको स्कूल से बाहर बच्चे को प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है द गेम्स इज फॉर द कलेक्टिव सो दैट द एन्जॉयमेंट लेटर डू नॉट प्रोमोट द फीलिंग ऑफ ब्रेकिंग आफ्टर मेकिंग द रिकॉर्ड अलाउ चिल्ड्रन इन द लाइब्रेरी टू चूज द बुक देमसेल्फ, यानी कि आपके जो गेम्स हैं, जो आप गेम्स करवाते हैं बच्चे को, क्या सिखाएंगे आप भाई, गेम्स में सिर्फ जीतना ज़रूरी है तो नहीं सिखाएंगे ना, खेल जो है वो आनंद बाद सामूहिकता की भावना के लिए हो, रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें। मतलब कि अगर आप किसी बच्चे को क्या खेल सिखा रहे हैं तो आप उसको ये मत सिखाइए कि भाई तुम्हें जैसे मर्जी चीटिंग करके जीतना है, जैसे मर्जी जीतना है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ना है, तुम्हें फर्स्ट आना है बस, नहीं, हमें खेल को क्या करना है, एंजॉय करने के लिए सिखाना है बच्चे को, और खेल से सामूहिकता की भावना सिखानी है कि भाई देखो एक टीम वर्क क्या होता है, एक टीम में आप लोग क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ हमें बच्चे को सिखानी है। प्रमोट एस्थेटिक सेंस इन प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट इन कल्चरल इवेंट, यानी कि जो आपके कल्चरल, जो सांस्कृतिक आपके कार्यक्रम होते हैं उनमें क्या करना है आपको, मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना है भाई। आपके जैसे कि आपका अगर 15 अगस्त का अगर एक आपका प्रोग्राम होना है तो आप उसमें कुछ ढंग की चीज़ें रखिए, कुछ ढंग की परफॉर्मेंस रखिए। अब आजकल आप ये देखिए जैसे गाने चल रहे हैं,
हैं, आजा आजा, मतलब क्या पता नहीं, दिल निचोड़े और क्या रात की मटकी फोड़े, इस टाइप के गाने अगर आप 15 अगस्त पे चलाएंगे तो वो क्या है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, उसमें कोई मतलब कल्चरल चीज़ नहीं है उसके अंदर में। तो क्या करेंगे आप, उसमें आप कल्चरल चीज़ों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिल्मों के एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से याद रहता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आपका यूज़ ऑफ मदर टंग इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है आपकी उसमें आप क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। और प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल कंपलसरी है कि आप मातृभाषा का प्रयोग ही करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल में नया नया आया है, आप उसको मतलब एक नई लैंग्वेज एकदम से आप बोलना शुरू कर देंगे और उसको अगर आप प्रतिबंध लगा देंगे उसके ऊपर कि बिल्कुल भी तुम्हें मातृभाषा यूज़ नहीं करनी, तो बच्चा क्या होगा, डर जाएगा स्कूल के एनवायरनमेंट से। तो आप क्या करेंगे, उसको मातृभाषा में शिक्षा देंगे। द स्पिरिट ऑफ पनिशमेंट एंड अवार्ड शुड बी लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। पनिशमेंट और अवार्ड दोनों ही चीज़ें, यानी कि आपको पुरस्कार और दंड जो है, सज़ा और दंड की भावना जो है वो सीमित रखी जाए। भाई बच्चा जो है या तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, प्राइज़ के लिए सीख रहा है, उसने होड़ लगा रखी है मतलब फर्स्ट आने की, सिर्फ किस लिए कि भाई प्राइज़ दिया जाएगा, या फिर सिर्फ इसलिए सीख रहा है कि भाई क्या होगा, डंडे से बचने के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ों को क्या है, सीमित रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिव द कम्युनिटी एन अपॉर्चुनिटी टू बी यूज एज अ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आप क्या कहेंगे हिंदी में इसको, कि भाई समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, ठीक है। भाई बच्चा जो है वो एक इंडिविजुअली मानवीय संसाधन के रूप में अपने आप को प्रयुक्त होने का अवसर दें। द रूल ऑफ पीस इन द क्लासरूम इज नॉट गुड अगेन एंड अगेन, दैट इज लिविंग क्लासरूम एनवायरमेंट शुड बी एंकरेज्ड, यानी कि आप क्या कहेंगे, फ्री लिविंग होना चाहिए जो क्लास का एनवायरमेंट है। कक्षा में क्या है, शांति का नियम बार बार नहीं, यानी कि जीवंत जो कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई अगर आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीटेट में कि क्लास में अगर शोर नहीं हो रहा है, चार ऑप्शन होंगे आपके सामने कि भाई इसका मतलब क्या है, क्लास में अगर शोर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शोर हो रहा है, उसमें भी ये होगा कि एक्सेस शोर हो रहा है या थोड़ा थोड़ा शोर हो रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है थोड़ा थोड़ा शोर हो रहा है क्लास में, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो भाई ये किस चीज़ को दर्शाता है, आपसे बोलेंगे कि भाई ये क्लास में डिसिप्लिन नहीं है इस चीज़ को दर्शाता है, तो ये आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये क्लास में दर्शाता है कि भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन है, उन लोगों के बीच में एक डिस्कशन है, अच्छा डिस्कशन है। अगर क्लास में बिल्कुल सन्नाटा है, एकदम बच्चे बिल्कुल ऐसे खौफ में बैठे हैं, एकदम डरे हुए, दैट मीन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक बहुत अच्छी क्लासरूम है, बहुत अच्छा वहाँ पर टीचिंग हो रहा है, नहीं, वहाँ पर क्या है, डर का माहौल है, वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो इसीलिए कहा गया है कि पीस इन क्लासरूम, तो आपसे पूछा जाता है बाकायदा ये कि पीस इन क्लासरूम जो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो वो क्या है आपका, वो बिल्कुल क्या है आपका, वो गुड नहीं है, बार बार उसको करना आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, कुछ चीज़ें और हैं, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन को करिकुलम एक्टिविटीज़। भाई आजकल क्या किया जाता है, पेरेंट्स को भी स्कूल में बुलाया जाता है और उनको क्या किया जाता है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाता है, करवाया जाता है, ताकि पेरेंट्स भी क्या करेंगे, बच्चे के साथ में इंक्लूड होकर के सीख सकें, उनको भी क्या है, बच्चों के साथ में सीखने का मौका मिले, बच्चों के साथ में बच्चों को भी पता चले कि हाँ चलो मेरे पेरेंट्स जो है मेरे साथ में इस तरीके से मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो चीज़ों को समझ पाए। सिलेबस शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल एंड एबिलिटी प्रमोटेड पीस एजुकेशन, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो किस तरीके से डिसाइड होना चाहिए, वो बच्चे के मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। भाई जैसे आप देखिए अभी EVS की बुक्स आपके लिए बनवाई गई है, तो फर्स्ट और सेकंड में EVS की बुक आपके लिए नहीं लगवाई है, ठीक है, NCF के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि NCF कहता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, आपकी EVS की रिक्वायरमेंट नहीं है, थर्ड के बाद में रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे का मेंटल लेवल इतना हो जाता है कि वो चीज़ों को समझ सकता है फिर बाद में, ठीक है। इसी हिसाब से आपकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग ए प्रॉब्लम टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वुमेन। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा है, जो आपने देखा होगा जेंडर स्टीरियोटाइप है हमारे बच्चों में रहता ही है, कि भाई क्या है, औरतें सिर्फ घर का काम करेंगी, आदमी बाहर काम करते हैं, बहन है तो वो काम करती है, भाई है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का भी आपको आयोजन करना है। शिक्षा में आपको ये चीज़ को देना है बकायदा, और आपने देखा भी होगा नोटबुक्स में अभी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, वहाँ फोटोग्राफ्स दिए जा रहे हैं कि भाई कोई घर का जो जेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, घर के कुछ कामों में हेल्प कर रहे हैं। तो ये स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए जो है हमें एज ए टीचर और करिकुलम में भी चीज़ें जो है वो ऐड करनी चाहिए, ठीक है। क्रिएट एन इंक्लूसिव
जस्ट सेकेंड, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. करिकुलम क्या होना चाहिए आपका? चिल्ड्रन के सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, भाई उसका सब तरीके से विकास हो सके. क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी कि सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए. कोई भी बच्चा आपका जो है वो अलग थलग महसूस ना करे बिल्कुल भी, कक्षा से खुद को क्या है अलग महसूस ना करे, कम महसूस ना करे. तो आपको क्या करना है, एक समावेशी वातावरण जो है बच्चों के लिए क्रिएट करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, अ चेंज इन द पर्सपेक्टिव परसेप्शन ऑफ गुड स्टूडेंट मीन्स दैट अ गुड स्टूडेंट इज वन हु प्रेजेंट हिज और हर ओरिजिनल आइडिया सिमिलर टू एजुकेशन थ्रू रैशनल डिबेट. यानी कि आप जो आजकल क्या आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव होना चाहिए. अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता हो. अब आपने देखा होगा गुड स्टूडेंट या इंटेलिजेंट स्टूडेंट किसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे भी, जिसके 100 में से 100 मार्क्स आते हों. जैसे वो आपने देखा होगा ना 3 इडियट में, वो कौन था, वो क्या नाम था उसका, याद ही नहीं आ रहा मुझे भी, तो उसमें क्या था, वो पूरा रट के अच्छे से बढ़िया से साइलेंसर, हाँ वो क्या था, अच्छे से रट के और बढ़िया से अपना एग्जाम देता, पूरा 100 में से 100 लाने वाला था, लेकिन क्या था, उसको नॉलेज नहीं है, उसको क्या रटा रटाया ज्ञान है. तो एक गुड स्टूडेंट की जो डेफिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वो आमिर खान वाली डेफिनेशन होनी चाहिए कि भाई जिसको क्या हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिसको ज्ञान को क्या इंप्लीमेंट करना आता हो. ठीक है, जिसको मशीन की डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन ना आती हो बल्कि उसको पता भी हो कि मशीन हमारे आसपास में कितनी सारी है ना, तो वो वाली बात है यहाँ पे. अब NCF 2005 के विषय क्षेत्र क्या है, जो सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आपके, तो इसमें आपका लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया, भाषा को, गणित को यानी मैथ्स को, कंप्यूटर को, साइंस को, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशनल, एजुकेशन वोकेशनल आपकी एजुकेशन. ठीक है, उसके बाद में एजुकेशन फॉर पीस यानी कि जो शांति के लिए शिक्षा होती है उसको भी आपको इसमें इंक्लूड किया गया है. तो ये आपके पूछे जाते हैं कई बार कि NCF में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं. अब देख लेते हैं NCF 2005 के भाषा के प्रति इसका क्या दृष्टिकोण है. तो बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है. ठीक है, NCF 2005 अप्रोच चिल्ड्रन हैव एन इनेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस लैंग्वेज. जैसे कि नॉम चॉम्स्की कहते हैं ना कि भाई बच्चों के अंदर क्या है, भाषा की जन्मजात प्रवृत्ति होती है सीखने की. तो NCF क्या करता है, इस बात को बिल्कुल मानता है कि भाषा की जो है बच्चे के अंदर जन्मजात प्रवृत्ति होती है. तो उसको क्या करना चाहिए, भाषा हमें उसी मातृभाषा को, इसीलिए बोलते हैं ना मातृभाषा को आधार मान करके बच्चे को सिखाना होगा हमें. ठीक है, NCF मूल्यांकन के प्रति क्या दृष्टिकोण है. NCF कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए. भाई क्या होता था पहले, इससे पहले हमारा पहले जो मूल्यांकन सिस्टम आप देखेंगे तो क्या होगा, ईयर के एंड में बिल्कुल एकदम लास्ट में आपकी क्या होगी, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा. और उसमें क्या होता था, पूरा साल बच्चा जो है वो आराम से रहेगा, बढ़िया से एकदम मस्ती में. और क्या होगा, लास्ट में बिल्कुल एग्ज़ाम जब आने वाला होगा तो एक्सेस स्ट्रेस जो होता है वो स्टूडेंट के माइंड में हो जाता है कि ओहो अब तो पूरे साल का पढ़ा हुआ हमें एग्ज़ाम में देना है. पूरे साल क्या होगा, उनको कोई इवेल्यूशन नहीं होगा, कोई उनका कुछ नहीं होगा, लास्ट में एग्ज़ाम लेना बिल्कुल गलत माना गया है. उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया, और उन्होंने कहा कि जो एग्जामिनेशन है वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसन इवेल्यूशन होना चाहिए, यानी सतत होना चाहिए. यानी कि आप क्या करेंगे, हर 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाए, हर 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाए, तो बच्चे का क्या होगा, वो अवेयर रहेगा एग्जामिनेशन को लेकर के, उसकी प्रैक्टिस रहेगी एग्जामिनेशन को लेकर के, रिविजन रहेगी. और आपका भी क्या होगा, आपको भी पता चलता रहेगा कि आपने जो पढ़ाया है वो कितना सीख पाया है बच्चा. और दूसरा व्यापक तरीके से लेना चाहिए. व्यापक का यहाँ पे 2 तरीके से अर्थ है. देखिए, एक तो व्यापक क्या कि भाई आपने सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम ले लिया. रिटर्न एग्ज़ाम आपने लिया उसमें भी क्या होता है, देखिए आप भाषा के 4 क्वेश्चन हैं आपने जो हमने समझा है LSRW. ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन लेने से क्या होगा, आप बच्चे का सिर्फ रिटर्न कौशल को मापते हैं, इन तीनों को क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही अवॉइड हो जाते हैं. ये रिटर्न एग्जामिनेशन में बच्चे ने 100 में से 100 ले आए तो आपने क्या किया, भाई बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है, A+ है, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन LSRW ये तीनों स्किल्स जो है उसकी वो क्या हुई आपकी, वो तो नेग्लेक्ट हो गई बिल्कुल. लेकिन हमने कहा है भी ये चारों स्किल्स जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा ना बच्चे को. क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है आपके, क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं जा रहा, वो तो सिर्फ रटवाया जा रहा है आपको, उसके सिर्फ ग्रामर के रूल रटवाए जा रहे हैं आपको, तो कहाँ से बोलना आएगा. क्योंकि जो आपकी परीक्षा ली जा रही है वो तो सिर्फ रिटर्न ली जा रही है, उसी से मतलब है, सिर्फ बोलने से तो मतलब ही नहीं है. स्पीकिंग का जो स्किल है वो तो आपका इंप्रूव ही नहीं करवाया जा रहा है. तो इसीलिए कहा गया है कि भाई व्यापक होना चाहिए. दूसरा, आपका सिर्फ उसे रिटर्न टेस्ट ना लिया जाए, सिर्फ बुक्स पे बेसिस ना हो, आपकी बाकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है ना उसको भी आपको जांचा जाए. हो सकता है कोई बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो बाकी किसी एक्टिविटी में वो बहुत अच्छा करता हो, तो इसीलिए उनके मार्क्स भी आपके यहाँ पर ऐड होने चाहिए. तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसन इवेल्यूएशन, जो कि आपका NCF कहता है कि होना चाहिए. ठीक है, गणित के प्रति दृष्टिकोण क्या है, यहाँ इसको हम थोड़ा सा क्या है समअप करके देख लेते हैं, बाकी आप
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें क्या है आपका कि भाई गणित की मूल रचना को समझने के लिए अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, यानी कि आपका क्या है अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक एलजेब्रा, लाइन अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ऑल द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोवाइड सेवरल मेथड इज जनरल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उसके बाद में कंडीशन एनालिसिस, गेसिंग और कन्फर्मेशन, यानी कि अनुमान लगाना और परिणाम स्थिति विश्लेषण पुष्टि करना मुहैया कराते हैं। यानी कि एक सीधी सी बात यहाँ पर क्या है भाई, आपको गणित को कैसे सिखाना है बच्चे को, भाई उसको क्रिएटिव तरीके से आपको गणित को सिखाना है बच्चे को। अगर वो छोटे लेवल पे है बच्चा, अगर प्राथमिक लेवल पे है, तो आप क्या करेंगे उनको चीज़ों को दिखा करके उसको गणित सिखाएंगे। भाई आपने वॉच दिखाया, कहा क्या है बच्चे, ये है सर्कल, ठीक है। इस तरीके से भाई आप एक रूम के अंदर में है, इसका क्या, इसका क्षेत्रफल किस तरीके से बना, मतलब निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं कि भाई उसको आप इस तरीके से गणित को सिखाएंगे, ये NCF में दिया गया है। शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है कि शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना का अर्थ और बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक हो। NCF टीचर एटीट्यूड्स, द टीचर इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज, भाई ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ज्ञान का नॉलेज माने और जो टीचर ने कह दिया उसको एज इट इज़ आपने क्या कर लिया, रट लिया, इमिटेट कर लिया, ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीचर क्या होगा आपका, एक फैसिलिटेटर होगा, सुगम करता होगा, ठीक है, उत्प्रेरक होगा। ये वर्ड्स आपको मिलते हैं एज इट इज़ एग्जामिनेशन में देखने के लिए कि टीचर को NCF में क्या माना गया है, तो फैसिलिटेटर कहा गया है, ठीक है। एक गार्डनर कहा गया है जो कि क्या करता है, बच्चे को पोषण देता है, नर्चर करता है, उसको क्या करता है, उसकी देखभाल करता है, ठीक है, उसके ऊपर चीज़ें थोपता नहीं है। हु इज़ हेल्पफुल ऑफ टीच चिल्ड्रन थ्रू वेरियस मेजर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंग, भाई जो इन्फॉर्मेशन है उसको मीनिंग में, उसको परसेप्शन में बदलने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा जो टीचर होगा वो, ठीक है। आपको मतलब ज्ञान का मतलब वो नहीं मानना उसको कि जो कह दिया वो मतलब पत्थर की लकीर है, बिल्कुल बच्चा कुछ नहीं मांग सकता, उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है, सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान और उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग की स्पीड होगी, नेचर होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। वो एक्टिवली अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्कुल, तो इसीलिए बच्चे जो हैं वो अपनी गतिविधियों के आधार पर अपने अर्थ का, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्याजे कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को खुद करके सीखने देना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल जो है हमें रखना चाहिए हमेशा शिक्षा में, बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, फ्री रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो, मैंने बहुत मतलब ऐसे कहते हैं ना, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि एक तरह का कंटेंट तो आप आराम से बना सकते हो, हिंदी में बना दो या इंग्लिश में बना दो, लेकिन मतलब एक से दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दोनों लैंग्वेज में कॉन्टेंट प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा आजकल मेरी वीडियो भी मतलब 2 डेज़ में आती है एक, तो इसीलिए अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि एटलीस्ट जो एक हार्ड वर्क आप लोगों के लिए किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बेल आइकन है इसको हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी आपको आपको किसी भी तरीके की आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, बिल्कुल वेलकम है आप लोगों का, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।